साहिबा, शहजादे कहाँ है? यही तो थे। कनीजो, शहजादे कहाँ है? जाओ देखो, ढूंढो उन्हें। कुछ पता चला? नहीं मलका यालिया, कुछ पता नहीं चला। हम पूछते हैं कहाँ है हमारा लाल। अगर खुदा न खास्ता हातिम को कुछ हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे। सब्र कीजिए, अल्लाह ने के बान है। मलका मुजमा, ये हम क्या सुन रहे हैं? शहजादे कमरे में नहीं है। खुदा जाने हमारे जिगर का टुकड़ा कहाँ गायब हो गया। सिपाहियों, महल का एक एक गोशा छान मारो, बाहर जाने के तमाम दरवाजे बंद कर दो। जिस किसी ने भी शहजादे को चुराने की खता की होगी, अभी तक वो महल से बाहर नहीं गया होगा। आप इत्मीनान रखिए मलका आलिया, जल्द से जल्द शहजादे का पता लगा लिया जाएगा। क्या आलम पना को इस बात की इत्तला हुई? जी मलका आलिया, वो आते ही होंगे। शाहे आलम, हमारा बेटा, हमारा लखते जिगर। वजीर आजम, आज हमें मालूम हुआ कि हमारे पहरेदार कितने नाआयल हैं। हमारा शहजादा उनकी नजरों के सामने लापता हो गया और उन्हें खबर तक नहीं हुई। आप तमाम पहरेदारों को चौराहे पर ले जाइए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए फौरन।
रही हूँ। मेरा दिल हातिम को खिलाने के लिए बहुत मचल रहा था और आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा, इसकी माफी चाहती हूँ। हम ये सोच रहे हैं कि जान करोड़ों बच्चों में से आपने हमारे हातिम को कैसे चुन लिया? ऐसा क्या रिश्ता है जिसने जिसने तुम्हें इस कदर बेचैन कर दिया उसे खिलाने के लिए? ये सच है कि रिश्ते दुनिया में आने के बाद ही बनते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खुदा के दरबार में ही बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ रिश्ता हम परियों का हातिम के साथ है। मैं इसी रिश्ते की डोर में खिंचकर यहाँ चली आई, मगर अब शायद दोबारा यहाँ ना आ सकूं। नहीं नहीं नीलम बड़ी, ऐसा मत सोचो। ये तो हमारे हातिम की खुशनसीबी है कि उसे कोई परी खिलाए। आपका क्या ख्याल है शाह आलम? हम आपके हम ख्याल हैं मलिका। हम शहंशाह यमन तुम्हें इजाजत देते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम हमारे हातिम से मिलने बेखौफ आ जा सकती हो। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी शहंशाह यमन।